जम्मू में गिराइए कविंदर गुप्ता का घर, जाओ गिराओ निर्मल सिंह का घर, ये 1835 मगर 1800 बट प्लीज टेल योर सुपीरियर ये प्रॉपर्टी 1835 है यहाँ नीडोस होटल सारा 1835 मेरी बात सुनिए जितनी आपकी लीज है वो आपके पास है और क्या है और क्या है मोर देन सम लीज दैट विल बी बैक और क्या है क्या लीज है ये मैं बिल्कुल परेशान नहीं हो रहा इतना बताना चाह रहा हूँ मीडिया के सामने में कि ये नीडोस होटल क्या है जो ये हाता है ये 1835 से प्राइम मिनिस्टर मोदी मिस्टर अमित शाह प्लीज लिसन वेरी केयरफुली आज जो आप ये गिरावट करने यहाँ आए हैं ये 1835 से है यहाँ पर जब पूरे मुल्क में यहाँ होटल्स की चेन शुरू हुई सबसे पहली चेन पूरी हिंदुस्तान में नीडोस होटल से शुरू हुई पूना में फिर लाहौर में फिर गुलमर्ग में और फिर यहाँ पर ये 1835 है यहाँ पर है उसके बाद आपको गिराना पड़ेगा जाके गिराइए मेरा घर भी गिराइए मेरा घर भी गिराइए जी हाँ बिल्कुल आईटीसी को लीज किया गया शेर कश्मीर के टाइम में बिल्कुल लीज किया गया बाजाबता तौर कागजात है इनके पास मुजफ्फर साहब बताया जा रहा है डॉक्टर फारूक साहब के परदादे की प्रॉपर्टी है यहाँ पे इसमें डॉक्टर फारूक साहब की बात नहीं है जब ये प्रॉपर्टी यहाँ पर आई थी तब बेगम शहरी कश्मीर का शहरी कश्मीर के साथ निकाह नहीं था जी पैदा भी नहीं हुई वो पैदा भी नहीं हुई थी देयर वाज नो पॉलिटिकल पार्टी एट दैट टाइम इसमें एक मिनट इसमें शहरी कश्मीर को फारूक साहब की प्रॉपर्टी है मुजफ्फर शाह की है उमर नीडो ये क्या क्या बात कर रहे हैं आप शाह साहब ये नीडोज ने आईटीसी को लीज किया था भाई साहब सुनिए ये 1835 में हुआ है लीज महाराजा के टाइम में नीडोज को जब शहरी कश्मीर का निकाह नहीं था बेगम शहरी कश्मीर से तब से ये प्रॉपर्टी यहाँ पर है आज 150-200 साल हो गए तब तो किसी का भी ये घर उड़ा देंगे आपका मेरा सबका ये क्या बात है मैं सीधा क्वेश्चन कर रहा हूँ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से क्या ये कोई तरीका है आपको अगर गिराना है किसी को जाइए उधर सैनिक फार्म में गिराइए जो अनऑथराइज है जिसको आप ऑथराइज कर रहे हैं ये तो 100-150 साल पुराना मैटर है इसमें फारूक अब्दुल्ला कहां से आता है इसमें जीएम शाह कहां से आता है ये तब हुआ है 1835 में हुआ है और आप बोलते हैं जी आप गैर कानूनी रह रहे तो मैं गैर कानूनी इस वक्त यहां पर इनकी समझ लीजिए तीसरी और चौथी पुश्ते रह रही है हम लोग तो जो मामला 1835 में हुआ आप उसका बदला मेरे से ले रहे हैं ये तो गलत बात बहुत गलत बात थैंक यू आप तो कानून के तहत आ रहे हैं अपनी गवर्नमेंट के तहत आ रहे हैं बट वेरी रॉन्ग व्हाट यू डू ये कौन सी बड़ी बात है आप जाके गिराइए किधर क्या गिराना है उसको मैं क्या कर सकता हूँ मगर ये बात नोट कर दीजिए कि आप इस तरह से बहुत गलत कर रहे हैं आज लद्दाख से भी यही आवाज आ रही है जम्मू से भी यही आवाज आ रही है बठिंडी सारा आज बाहर निकला हुआ है कि आप गलत कर रहे हैं ये सब मेरा मामला 1835 है तो उसका मतलब है आपके भी जितने घर हैं वो सब इलीगल हैं वो भी कल को गिराए जाएंगे अभी रीजन क्या और मैं आपको इनको कह रहा हूँ आपसे तहसीलदार साहब को सवारों को सब आइए बुलडोजर चलाइए मेरे घर पे पहले चलाइए जाइए चलाइए खुला है हमारा घर चलाने के लिए अगर आपको उसी तरह से आपकी आपके अरमानों के पानी आ जाता है तो अच्छी बात है तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्या जवाब आ रहा है मैं सामने खड़ा हूँ अगर वो यहाँ पर आएंगे गिराएंगे इसके बावजूद मैं क्या कर सकता हूँ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता मगर इसमें नाम गलत लेना गलत तासुर देना कि हमने जी गिरा दिया है सारा ये बहुत गलत है प्राइम मिनिस्टर मोदी यू आर डूइंग समथिंग वेरी डिजास्ट्रस इन दिस कंट्री अमित शाह साहब आप गलत कर रहे हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर यू आर डूइंग समथिंग वेरी रॉन्ग ये प्रॉपर्टी यहां पर लीज में है 1835 से 150 साल पुरानी है ये प्रॉपर्टी सारी और आप हमको कह रहे हैं यहां से आप निकल जाए हम बुलडोजर चलाएंगे तब आप अपने घरों पर पहले बुलडोजर चलाओ जाके राजभवन पे चलाओ बुलडोजर जाओ प्राइम मिनिस्टर हाउस पे चलाओ ये 150 साल पुरानी प्रॉपर्टी है शर्म आनी चाहिए आप लोगों को इस तरह करने से यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ्स